जैसा कि हम कंप्लीट कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सो हमने कंप्लीट कर लिया है बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस एंड शिपिंग बिल, और आज हम कवर करेंगे बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री का इंपोर्ट में क्या इंपोर्टेंस होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दिस सेशन। सो बिल ऑफ एंट्री होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें शिपिंग बिल फाइल करना होता है और गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है कि हम ये गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो प्राइम में इंटीमेट करना होता है, मतलब पहले से ही इंटीमेट करना होता है। ओके, तो इन द सेम वे जब आपके गुड्स बाहर कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट की प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे मशीनरी जो इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप गवर्नमेंट को मशीन इंडिया में आने से पहले ही गवर्नमेंट को इंटीमेट करोगे कि ये मशीन हमारी आने वाली। तो यहाँ पे करोगे क्या, आप एक चेकलिस्ट फाइल करवाओगे अपने शिपिंग सीएच एजेंट के थ्रू। ओके, तो क्या करना है कि जैसे ही आपका सप्लायर वहां से गुड्स को डिस्पैच करेगा, आपको कुछ इनवॉइस और डॉक्यूमेंट वहां से भेजेगा, तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम सीएचए को फॉरवर्ड करेंगे और उसको बताएंगे कि हमारी शिपमेंट का ईटीए ये इस तारीख का है, मतलब कि एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल इतनी तारीख का है। तो उससे बिफोर ही आपको ये इम्पोर्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको इम्पोर्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको अपने एजेंट के थ्रू एक चेकलिस्ट फाइल करवानी है कस्टम में। तो जैसा कि शिपिंग बिल हमने फाइल करवाया था एक्सपोर्ट के केस में, वैसे ही सेम प्रोसीजर से आप कमर्शियल इनवॉइस के बेस पे आपकी जो जो सारी डिटेल जो होगी कमर्शियल इनवॉइस पे, वो सारी डिटेल्स उसके बेस पे, जैसे एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स डिटेल, क्वांटिटी, आइटम डिस्क्रिप्शन, एचएसएन, वैल्यू ऑफ द गुड्स, इनको टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे चेकआउट करवा करनी है, क्योंकि ये सारी डिटेल आपका एक्सपोर्टर वहाँ पे एक उसमें शिपिंग जब शिपिंग बिल सॉरी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा उस टाइम अपडेट करेगा। तो इन चीजों को सारे को प्रॉपरली चेक करना होता है, सो देट कि आपकी जो बिल ऑफ एंट्री वो करेक्टली फाइल हो पाए। अगर उसमें कोई किस प्रकार की आप डिटेल गलत डाल देते हो तो उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इम्पोर्ट कर रहे हो उस टाइम आपने बिल ऑफ लेडिंग नंबर गलत डाल दिया और शिपिंग लाइन ने जो आईजीएम फाइल किया उसमें बिल ऑफ लेडिंग नंबर कोई और है, तो दोनों का यहाँ पे डिटेल मैच नहीं होगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे एरर आ जाएगी, आईजीएम एरर, जिसकी वजह से आपकी शिपमेंट क्लियरेंस पे रुक सकती है और आपके ऊपर आपका जो गुड्स पे डैमेज और डिटेंशन लग सकता है। और दूसरी चीज, ये बिल ऑफ एंट्री जब हम फाइल करते हैं तो हमें फ्राई में फाइल करना, मतलब कि शिपमेंट आने से पहले ही फाइल करना है, ऐसा नहीं कि शिपमेंट आ गई और उसके बाद आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करो। तो ये आपके ऊपर इसमें काफी गवर्नमेंट हाई फाइन लगाती है, 5,000 रुपीज पर डे लगाती है अगर आप ऐसा करते हैं। जैसे आपके गुड्स पोर्ट पे आ गए लेकिन आपने बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल किए, तो इस केस में आपका क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो फिर फाइन लगा देगी 5,000 रुपये पर डे। जैसे सेकेंड डे थर्ड डे तक तो 5,000 ही रहेगी, लेकिन फोर्थ डे से ये हो जाएंगे आपके 10,000 पर डे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने आपकी शिपमेंट पोर्ट पे आ गई और आपने 4 दिन से बिल ऑफ लेडिंग फाइल नहीं की, तो स्टार्टिंग के 3 डेज तक 5,000 लगेंगे, तो 15,000 हो जाएंगे और फोर्थ डे आपको 10,000, तो यहाँ पे आपको 25,000 पे करने होंगे 4 दिन के, तब जाके आपको कस्टम क्लियरेंस और सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो पाएगी। तो समझने की बात ये है कि जब भी इम्पोर्ट करो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि टाइमली आपको डॉक्यूमेंट सीएचए एजेंट को फॉरवर्ड करने हैं और चेकलिस्ट अप्रूव करके बिल ऑफ एंट्री फाइल करवानी है। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको फिर पेमेंट देने के लिए इंडियन कस्टम को तैयार रहना है। ओके, सो बिल ऑफ एंट्री जो डॉक्यूमेंट है, अब इसमें और इंपोर्टेंस क्या है बिल ऑफ एंट्री का। बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की जगह आपको आउट ऑफ चार्ज मिलती है। वहां पे क्या होता है, एक्सपोर्ट करने में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब कि शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको आउट ऑफ चार्ज करेगी, मतलब कि आपके सारी जो भी शिपमेंट के रिलेटेड चार्जेस थे और नॉर्म्स थी वो आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप इनको गुड्स को ले सकते हो। आउट ऑफ चार्ज मतलब कि चार्जेस, ऑल काइंड ऑफ चार्जेस हैज बीन पेड बाय इम्पोर्टर। ओके, सो यहाँ पे जितनी भी कस्टम ड्यूटी हो गया या फाइन पेनल्टी सारी चीजें जमा करने के बाद एग्जामिनेशन के थ्रू देखा गया कि जो गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो वो वैलिड है कि नहीं है, हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग इम्पोर्ट कर रहे हो कि नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें जो होती है रिस्ट्रिक्टेड आइटम होते हैं, जैसे आप डेंजरस चीज, स्फोटक चीज, फ्लेमेबल आइटम्स, ये चीजें इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज गवर्नमेंट चेकआउट करने के बाद ही आपको अलाउ कर दिया, आउट ऑफ चार्ज कर दिया शिपमेंट को। तो ये सारी डिटेल हमें पे चेकआउट करनी होती है। फाइनली क्या होता है कि जब आपके इम्पोर्ट हो जाता है और इम्पोर्ट के रिस्पेक्ट में आपको एक पेमेंट करनी होती है,
एक्सपोर्टर को, क्योंकि आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हो, आपने किसी से गुड्स खरीदे हैं, तो उन गुड्स के रिस्पेक्ट में आपको करनी होगी पेमेंट। तो जो पेमेंट आप करोगे, तो पेमेंट करते समय आपको प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा बैंक में, सो दैट कि बैंक क्या करेगी उस पेमेंट के रिस्पेक्ट में कि ये पेमेंट आखिर क्यों की गई है। तो इस बिल ऑफ एंट्री एज ए प्रूफ सबमिट करने पर उस एंट्री को क्लोज कर देगी कि इस एक्सपोर्टर ने, इस इम्पोर्टर ने पेमेंट इसलिए किए कि इसने ये गुड्स इम्पोर्ट किए थे। तो इस प्रकार से जो वो पेमेंट की एंट्री बैंक की क्लोज हो जाएगी और वो इस ओपन एंट्री वहां पे शो नहीं होगी। तो बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है कि आपको वहां पे सबमिट करनी है। इसके अलावा और कहाँ पे बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी होती है? जब भी कोई लाइसेंस आप लेते हो, तो लाइसेंस लेते टाइम के आपको, जैसे ईपीसीजी की बात करें, तो मशीन इम्पोर्ट करोगे, मशीन पे ड्यूटी फ्री करवाओगे, तो इम्पोर्ट के टाइम पे लाइसेंस नंबर आपको ड्यूटी फ्री करवाने के लिए वहां पे बिल ऑफ एंट्री में मेंशन करवाने होंगे, सो दैट कि वो आपका यूटिलाइज हो जाए। इसी प्रकार से जब एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ इम्पोर्ट की बात करें क्योंकि हमने ड्यूटी फ्री करा ली। अब ड्यूटी फ्री तो कर दी, लेकिन जो ड्यूटी फ्री हुई है वो गवर्नमेंट ने आपको इसलिए दी है कि आप इसके रिस्पेक्ट में एक्सपोर्ट करो, मतलब कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इम्पोर्ट की फैसिलिटीज दी है। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे उस समय आपको ये लाइसेंस नंबर मेंशन करना होगा, और जब फाइनली आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, प्रूफ ऑफ एंट्री, प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट मतलब बिल ऑफ एंट्री, और प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट मतलब शिपिंग बिल, ये सेटअप डॉक्यूमेंट सबमिट करके डीजीएफटी को देना है, जिससे कि आपको रिडक्शन सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया जाए कि आपका जो लाइसेंस है उसका एप्लीकेशन पूरा हो चुका है। तो गाइज, इस सेशन में हमने ये समझने की कोशिश की कि बिल ऑफ एंट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, किस स्टेज पे बिल ऑफ एंट्री को फाइल किया जाता है, और कहाँ कहाँ बिल ऑफ एंट्री को सबमिट किया जाता है। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।